अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है। और दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 26 अक्टूबर 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जो कल की एक ब्रेकिंग न्यूज थी कि सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती 9 साल में भर्ती शिक्षकों का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। जी हाँ दोस्तों, तो भाई जिनकी वैकेंसी या जिनकी नौकरी 9 साल में लगी है लास्ट, तो उनका वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। रीजन है दोस्तों कि काफी आप लोगों ने देखा होगा फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है पिछले कुछ शिक्षक भर्तियों से, तो दोस्तों उसको लेकर ये कि ये बड़ी अपडेट्स निकल कर आई। और दोस्तों इसका सोर्स है, न्यूज सोर्स है जिसको हम बोल सकते हैं हिंदुस्तान से दोस्तों ये खबर, तो हमने सोचा आपको बता दी जाए क्योंकि दोस्तों कि ये बड़ी खबर है और आपको इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है कि भाई अगर आप नौकरी कर रहे हो, अगर आप में कुछ गलतियां हो तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। पूरी अपडेट हम यहाँ देखेंगे कि आपको क्या सुधार करना है, अगर करना भी है तो क्या सुधारेंगे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कुछ भी सुधारेंगे। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपको 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अगली सुनवाई 6 नवंबर को। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। और दोस्तों इस समय देखिए फाइनल कटऑफ को लेकर अफवाह तेज हो चुकी है। सभी पक्ष अपनी अपने अपने टीम को जिताने की पूरी कोशिश कर रहा है कि भाई नहीं हमारा टीम जीतेगा, कोई कहता है हमारा जीतेगा। तो दोस्तों आप लोग को सतर्क रहना है कि इस समय यार दिवाली का टाइम है तो दिवाली हैप्पी होनी चाहिए। पहले दोस्तों आज आपकी छोटी दिवाली है तो सभी बच्चों को एक साथ हैप्पी दिवाली, और दोस्तों जमकर मिठाइयाँ खाइए। और दोस्तों देखिए दिवाली ऐसा त्यौहार है ना कि खुशियां इसमें बांटी जाती है, तो अगर आपके सामने घर के पास कोई छोटा बच्चा या कोई गरीब लोग रहते हो ना, प्लीज उनको मिठाई खिलाइएगा क्योंकि दिवाली खुशियों का त्यौहार है दोस्तों। और पटाखे वो तो आपको है कि दगाना है कि नहीं दगाना। उसके बाद दोस्तों नौकरी कब तक मिलने के आसार, इस वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में काफी बच्चों के सवाल आ रहे थे, आखिर हमें फाइनल डेट सर बता दीजिए कि हमें नौकरी इस दिन मिलेगी, तब तक हम भूल जाएं कि कोई शिक्षक भर्ती है। तो दोस्तों आप लोग भूलिए मत, आपकी नौकरी आज नहीं तो कल लगेगी। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में उसको हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एक अहम मुद्दा। अभी दोस्तों एक और सवाल कि अभी कोर्ट में कितना और समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों कि अभी डबल बेंच में कितना समय लगेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में कितना समय लगेगा। देखिए एक बात आपको समझनी है, अगर 40-45 की जीत होती है, ठीक है 40-45 की अगर जीत होती तो आपका मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है, और 60-65 की जीत होगी तो भी मामला जाएगा। लेकिन दोस्तों 60-65 की जीत होने के बाद सरकार अंतरिम राहत पर आपको नौकरी दे सकती है रिजल्ट जारी कराकर। देखिए 40-45 की जीत होगी तो सिंपल सी बात होगी कि सरकार रिजल्ट जारी करना चाहेगी तो भी दोस्तों 40-45 पर ही वो रिजल्ट जारी हो सकता है। तो दोस्तों वो पूरा फैसला सरकार का होगा कि उन्हें नौकरी देना है अन्यथा नहीं देना, ठीक है। लेकिन 60-65 की जीत होगी दोस्तों तब तो फिर सिंपल सी बात है यार, डबल बेंच का फैसला, रिजल्ट तुरंत जारी, उसके बाद आपको तुरंत नौकरी, भले ही मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर 60-65 की दोस्तों जीत होगी तभी आपको एक नौकरी जल्दी मिलेगी, नहीं तो दोस्तों समय लगेगा। देखिए नौकरी तो आपको मिलेगी आज नहीं तो कल, हमेशा मिलता हुआ है। क्या शिक्षा मित्रों का समायोजन एक दिन में निरस्त थोड़ी नहीं होता, काफी समय लगा था, तो वैसे आप लोग को नौकरी पाने में भी थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 40-45 और 60-65 की, जानेंगे स्थिति क्या स्थिति है। और दोस्तों 68,500 शिक्षक भर्ती में चौथे चक्र के आवेदन का इंतजार। जी हाँ दोस्तों शासन से नहीं मिली मंजूरी, बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को भेजा है प्रस्ताव। अब दोस्तों उसके बाद यूपी टेट के नियमों में बड़ा बदलाव देखेंगे पूरी इस वीडियो में। तो दोस्तों सभी चीज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, काफी चीजें हैं तो आप लोगों को हर एक चीज पता होनी चाहिए। एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और उनको बताइए भाई आपका वेरिफिकेशन हो सकता है, आपकी कटऑफ आ रही है। तो मतलब हर एक बच्चे के लिए हर एक दिन हम लोग पूरी खबर लाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो यूपी टेट की हो, चाहे वो आपके सुपर टेट की हो, चाहे वो दोस्तों शिक्षक भर्ती जो हो चुकी है उसकी खबर हो। तो पहले हम बात करेंगे दोस्तों खबर क्या निकल कर आई थी कि उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद शासन के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग 9 नियुक्त शिक्षकों का पुलिस सत्यापन कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के मूल आवेदनों के आधार पर नाम पता का सत्यापन कराने के लिए पुलिस विभाग को पत्रावली भेजी जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में पिछली शिक्षक भर्ती में फर्जी नियुक्ति के कई मामले सामने आ चुके हैं, जांच पड़ताल के बाद दर्जनों शिक्षक बर्खास्त किए जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों यही बात हो रही ना, जब भी आपके दोस्तों जांच होती है तो मतलब काफी ऐसे शिक्षक होते हैं जिनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, मतलब वो गलत होते हैं, तो आपको कैसे बचना है दोस्तों वो आप जानेंगे। कई जिलों में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रदेश सरकार जांच एसटीएफ को सौंपी है। महाराजगंज में भी कई बार एसटीएफ की टीम जांच के लिए आ चुकी है। जांच में फर्जीवाड़े के कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें फर्जी शिक्षक दूसरे के नाम पता पर नौकरी कर रहे हैं। तो दोस्तों बात ये होती है ना कि काफी टीचर्स ऐसे होते हैं जिनकी भाई बहुत दूर नौकरी लग जाती है तो वो जाते नहीं है और अपनी जगह भाई पैसे दे देते हैं, जैसे आपको 40,000 सैलरी है तो क्या करते हैं क्या हम बता दें आपको, ठीक है, लेकिन आपको ये करना नहीं है जो हम बता रहे हैं।
तो 40,000 सैलरी होती है दोस्तों। जैसे आपके घर से बहुत दूर स्कूल है जहाँ से आपका आने जाने का महीने का खर्चा 5 से 6 हजार रुपये, मतलब आपका कन्वेंस, मतलब आने का वही बस का किराया हो गया, बाइक का तेल हो गया, जैसे भी आप आते हो, तो अगर 5 से 6 हजार रुपये लगते हैं तो काफी टीचर्स ये जुगाड़ लगाते हैं, चलो 5 से 6 हजार जब हमारा आने जाने साधन में खर्चा होगा और हम आएंगे थकेंगे, इससे अच्छा है कि जिस स्कूल में हमारी नौकरी लगी है, जैसे आपको दोस्तों जिस भी गांव में लगी है, तो उस गांव में तो काफी ऐसे बच्चे होते हैं, काफी ऐसे योग्य लोग होते हैं जिनको बहुत अच्छा पढ़ाना आता है और वो नौकरी नहीं पा पाते। तो दोस्तों आप क्या करते हैं कि अपनी सैलरी का 5 से 6 हजार रुपये उन्हीं को देकर उनसे काम करवाते हैं, और दोस्तों ने 5 से 6 हजार रुपये मिलकर उनको एक रोजगार मिलता है और आपको घर बैठे सैलरी मिलती है 35,000 रुपये। तो दोस्तों ये करते हैं टीचर, तो इसी के चक्कर में ये सब हो रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो एक गलती से आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में चौथे चक्र के आवेदन का है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, हो क्या रहा कि प्रसिद्धि प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले गैर राज्य से डीएलएड व समकक्ष डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन शुरू होने का इंतजार है। जी हाँ दोस्तों, गैर राज्य मतलब यूपी से बाहर, ठीक है, गैर राज्य का मतलब ये होता है। उसके बाद दोस्तों इन अभ्यर्थियों को भर्ती में अवसर देने के उच्च न्यायालय के आदेश पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद रूबी सिंह ने तकरीबन 4 महीने पहले प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक शासन से मंजूरी नहीं मिल पाई है। 68,500 शिक्षक भर्ती 9 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, 27 मई को लिखित परीक्षा हुई थी और 13 अगस्त को इनका परिणाम जारी हुआ था, रिजल्ट आ चुका था, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपके 41,556 बच्चे सफल हुए थे, पास हुए थे। भर्ती की शर्त के अनुसार अभ्यर्थियों को आवेदन के 5 साल पहले से यूपी का निवासी होना अनिवार्य था। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे इसमें आवेदन ऑनलाइन वही कर सकता था जो बच्चे कम से कम 5 साल पहले से यूपी में रह रहे हो, तो ये कंडीशन रखी गई थी यहाँ पर। तो दोस्तों ये सब देखिए अपडेट्स होती हैं, बड़ी अपडेट्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए पर डे क्या आ रहा है। तो एक और दोस्तों, डीएलएड और बीएलएड, ठीक है, और बीएलएड प्रशिक्षित भी टीटी पे कर सकेंगे आवेदन दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर निकल कर आई। और दोस्तों डीएलएड तीसरे और चौथे सेमेस्टर में शामिल प्रशिक्षु भी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल हो सकेंगे दोस्तों, तो ये खबर आपको हर अपने दोस्तों तक पहुंचानी है कि आप लोग अगर डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर में आ गए हैं तो आप आवेदन करने के योग्य हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको भी आवेदन करना है, तो देखिए आप लोग तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, जी जान से कि जितनी अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा आपका परिणाम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अभी नौकरी मिलने के कब तक के आसार, ये सवाल काफी ज्यादा आपका अहम है क्योंकि हर एक बच्चा परेशान है, 4 लाख बच्चे इसी खबर के लिए बैठे हैं कि यार कब तक हमें नौकरी मिलेगी, मिलेगी तो, नहीं मिलेगी तो कोई बात ही नहीं। देखिए दोस्तों, पहले आपका 6 नवंबर से आपकी सुनवाई शुरू हो रही है, तो पहले इसको हम समझेंगे कि आपकी सुनवाई खत्म कितनी है। देखिए बात अब सिर्फ कही गई है कि 5 से 6 वर्किंग डेज, जी हाँ दोस्तों 5 से 6 कार्य दिवस में आपका केस मतलब ऑर्डर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर इतने कम से कम दिन में अगर कोई रिजर्व हो जाए तो मान लेते 6 से 15, ठीक है, अगर मान लेते फिर भी आपका 16 नवंबर तक आपका ऑर्डर रिजर्व हो जाता है तो भी आपके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी, 16 नवंबर से 16 दिसंबर, ठीक है, 1 महीने का समय लग सकता है। तो दोस्तों 15 से 20 दिसंबर के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा कि मतलब किसकी डबल बेंच का फाइनल फैसला आ जाएगा कि भाई आखिर किसकी हुई जीत, ठीक है। अगर दोस्तों उस समय आपको दिसंबर के अंतिम तक भी या दोस्तों दिसंबर 2019 तक भी आपको ये बात पता चल जाए कि आपको किसकी फाइनल कट ऑफ होगी डबल बेंच के अनुसार, तो भी काफी हद तक आपको पता चल जाएगा यार आखिर जीत की राह में कौन आगे बढ़ रहा है, क्योंकि देखिए 2 बार जिसके पास अगर कंटिन्यू जीत मिलती है तो तीसरी बार उसके जीतने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाएगी। अगर आपको दोस्तों इस बार 40-45 की जीत होती है तो समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट से इनको जीतने से कोई नहीं रुक पाएगा, 60-65 की दोस्तों जीत होती है तब तो मामला आपको वहां 50-50 होगा कि भाई इनको जीत या इनको हार। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इनको 25 अंक का 12 अंक दे रखे हैं, तो मतलब ये तो बात नहीं कि वो अपने बात से पीछे नहीं हट सकते, कि अगर दोस्तों आपने किसी को अपनी बात वचन रख दे रखा है कि भाई नहीं ठीक है, उनको देखिए उनको जो मिला है दोस्तों 12 अंक ना, उनके जो उन्होंने पहले से पढ़ा रखा है उसके आधार पर दोस्तों दिया गया है कि कौन से टीचर के पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होगा उन्हीं को सिर्फ 25 अंक का 12 अंक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितने साल का एक्सपीरियंस उसमें 2.5 से हमें मल्टीप्लाई करना है, अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है तो दोस्तों आएगा सिर्फ 2.5 अंक का गुणांक, 2 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों तो कितना आ जाएगा 2.5 × 2 बराबर दोस्तों आ जाएगा 5 अंक का गुणांक। तो दोस्तों कुछ ऐसा था जिन जिनके पास मतलब जो से शिक्षा में जिनको 10 साल का एक्सपीरियंस था तो 2.5 × 10 बराबर 25 अंक का गुणांक। तो दोस्तों ये था पूरा प्रक्रिया, तो इस बेस पर आपको नौकरी मिलेगी। अब देखिए दोस्तों बात क्या हो रही है कि अफवाहों को लेकर काफी हो रहा है मामला, ठीक है, फाइनल कट ऑफ को लेकर कितनी तेजी से अफवाहें चल रही है कि नहीं हमारा पक्ष जीतेगा, दूसरे टीम का थी हमारा जीतेगा। देखिए दोस्तों जीत हमेशा टीचर्स की होनी चाहिए, देखिए सभी बच्चे टीचर बनेंगे ऐसा नहीं है, कोई बच्चे कुछ और बनना है, सभी को टीचर ही बनना है, तो यार ऐसा सोचिए कि यार जीत हमारी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए, या बीच के एक रास्ता निकाल दे दोस्तों जिसमें हर एक बच्चे को फायदा मिले, क्या क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा ना,
अगर सरकार ने 60-65 को जीत दे भी दिया या सरकार जीत भी जाती है तो आने वाले समय में एक नया ट्रेंड शुरू हो जाएगा कि मतलब जब सरकार चाहेगी तब कट ऑफ लगा देगी। ठीक है, अभी आपके लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, 69,000 में भाई 60-65 के बच्चों को नौकरी मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आपके बाद क्या होगा, जो नई भर्ती आएंगी उसमें क्या नियम लागू होगा, कोई बच्चा दोस्तों पेपर देगा उसको ये तक नहीं पता होगा लास्ट समय तक, लास्ट दिन तक कि भाई कल क्या होने वाला, कल की सुबह में क्या कट ऑफ होगी हमारी फाइनल। ठीक है, तो दोस्तों ये सब अहम मुद्दे उठते हैं। तो सरकार दोस्तों अगर चाहती तो आपको 5 जनवरी 2019 को अगर ये बता देते हैं कि आपकी कट ऑफ भैया 60-65 होगी तो दोस्तों कितना सही रहता है। देखिए दोस्तों बात ये आपकी शिक्षक भर्ती को लेकर सिर्फ नहीं हो रही है, आने वाले समय भी काफी भर्ती आ रही है। देखिए अभी आप लोग 4,10,000 बच्चे हैं, ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 4,10,000 बच्चों ने पेपर दिया है। ठीक है, ये बात तो अगर आपको पता है तो इसमें सिर्फ बच्चों को 69,000 बच्चों को ही नौकरी मिलेगी, ये बात भी आपको पता होगा। किसी भी कट ऑफ पर आपकी नौकरी लगे लेकिन 69,000 से एक भी छात्र ज्यादा नौकरी नहीं पा सकेगा, उसके बाद बचे हुए छात्रों का होगा क्या, ये सोचा आपने? जब वो अगली शिक्षक भर्ती में आएंगे ना तो उनके मन में तो यही रहेगा यार कि कट ऑफ क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर कोर्ट को भी एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए अगर हो सके पॉसिबल, नहीं तो दोस्तों कोई बात ही नहीं कि बीच का रास्ता ना निकल पाए, तो चलिए जो होगा दोस्तों देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर बीच का रास्ता एक अच्छा सा आता और सभी बच्चों को तो फायदा मिलता है, जैसे यूपी टेट की जो आपकी कट ऑफ होती है वो परफेक्ट कट ऑफ है 82-90 नंबर की, तो दोस्तों अगर इस कट ऑफ को भी रखा जाता तो बच्चों के अंदर चलो थोड़ा सा तो आइडिया लगता है कि यार यूपी टेट का दूसरा नाम सी टेट सुपर टेट ये सब हो सकता है। लेकिन दोस्तों आप कुछ उससे भी हाई कट ऑफ जाना तो मतलब अभी आपने एलटी ग्रेड का रिजल्ट देखा कितने बच्चे फेल हो गए, तो दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आपको अधिक से अधिक फेल करके दोबारा से उसी वैकेंसी को लाया जाता है जिसमें से होता है ना कि सरकार को वैकेंसी निकालने का दूसरा मौका भी मिलेगा। अगर आप सोचिए 69,000 में सिर्फ 30,000 सीटें भरती, खाली आप एक बार सोचिए कि 60-65 में सिर्फ 30,000 बच्चे ही नौकरी पा पाते हैं, उसके बाद जो सीटें बचेंगी बाकी की 39,000 उसका क्या होगा। ठीक है, उसका क्या होगा दोस्तों, फिर से वही वैकेंसी आएगी, फिर से फॉर्म के पैसे भरे जाएंगे आपको, तो ये सब होता है दोस्तों। लेकिन 30,000 से ज्यादा सीटें भरेंगी 69,000 में, मतलब अगर आपकी 260-65 कट ऑफ लगेगी तब भी 30,000 से अधिक छात्र होंगे जो 60-65 पर आपके पास होंगे। देखिए ये बच्चे बिल्कुल नए हैं, यंग हैं, और दोस्तों काफी बच्चे डीएलएड और बीएड कैसे छात्र हैं जिनकी 60-65 में पास नहीं हो रहे, उनके लिए दोस्तों समस्या खड़ी। अगर आपके 89 या 96 नंबर है ना तो मतलब आपको फिर से कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा वो तो खुद आप आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके 89 नंबर है और 96 नंबर है तो दोस्तों आप लोग को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना कि अगर इस शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलता है तो अगली शिक्षक भर्ती का इंतजार मतलब तैयारी अभी से आप शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सरकार आपको पता है कि समय समय पर कट ऑफ लगा सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों वो समय कब होना चाहिए इस कमेंट में आप लोग रिप्लाई जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों आप लोग की अगर नौकरी लग भी जाती तो भी आपको थोड़ा सा टेंशन लेना है कि भाई आप लोग का वेरिफिकेशन कभी भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और दोस्तों सभी को हैप्पी दिवाली।